वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। शातिर चोरों को क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार, आरोपियों से 18 लाख रुपए का माल बरामद। राज्य में बैलगाड़ी दौड़ को सुप्रीम कोर्ट ने दी अनुमति, मंत्री सुनील केदार ने सुप्रीम कोर्ट का माना आभार। और दो दिनों तक बंद रहेगा बैंकों का कामकाज, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने किया आंदोलन। और अब खबरें विस्तार से। ट्रांसपोर्टर के बंगले में सेंध लगाकर 16 लाख रुपए के गहने तथा नकदी 8 लाख रुपए चुराए जाने की वारदात का नागपुर क्राइम ब्रांच ने 24 घंटे में खुलासा कर अमरावती के कुख्यात आरोपी को उसके साथी के साथ पकड़ा है। दोनों से नकदी गहने तथा वाहन सहित 18 लाख रुपए का माल जब्त किया गया। हरीश अमरावती का कुख्यात अपराधी है, उसके खिलाफ 39 मामले दर्ज है। वह नंदनवन झोपड़पट्टी में अपनी बहन के यहाँ आकर रहता है। इसी दौरान उसकी बस्ती के रवि शर्मा से पहचान हुई। पेंटिंग का काम करने वाले रवि को हिवरी नगर निवासी ट्रांसपोर्टर सत्यनारायण दरक के घर के सामने काम करने के दौरान दरक के बाहर जाने का पता चला। इसके बाद दोनों ने उस घर में चोरी की। रवि शर्मा नंदनवन थाना परिसर के कई व्यापारियों को जानता है। उसे सत्यनारायण दरक का फाइनेंस का बड़ा काम होने का पता था। उसने हरीश को वहां से काफी नकदी तथा गहने मिलने का बताया था, लेकिन पकड़े जाने के बाद दोनों अलग अलग जानकारी दे रहे हैं। इसमें आरोपियों के नकदी तथा गहनों को लेकर गुमराह किए जाने की आशंका है। दिनांक 13/12/2021 च्या मध्यरात्री सत्यनारायण दरक यांच्या घरी ते घरी नसताना ती घरफोडी झालेली होती। त्याचा संयुक्त तपास नंदनवन पोलीस स्टेशन आणि गुन्हे शाखा करीत होती। गुन्हे शाखेचे जो तपास आहे, माननीय पोलीस आयुक्त श्री अमितेश कुमार साहेब, माननीय अपर पोलीस आयुक्त कुलारी साहेब, माननीय DCP साहेब चिन्मय पंडित साहेब यांच्या मार्गदर्शनात युनिट 4 आणि घरफोडी पथक करत होते। घरफोडी पथकचे AP 84 आणि युनिट 4 C 54 साहेब यांच्या मार्गदर्शनात आम्ही तपास करताना तांत्रिक विश्लेषण करून आम्हाला या आरोपी संबंधाने माहिती मिळाल्यावर आम्ही अमरावती येथून हरीश अरुण चरडे यास ताब्यात घेतले आणि त्याच्याकडनं आम्ही गुन्ह्याचा मुद्देमाल रिकवर केला आणि पुढील तपास करून नागपूर येथील रवी कुमार शर्मा या सुद्धा ताब्यात घेऊन अटक करून त्याला त्याच्याकडनं सुद्धा गुन्ह्यात चोरी केलेला मुद्देमाल रिकवर केलेला आहे आणि पुढील कारवाई आम्ही पोलीस स्टेशन नंदनवनकडे हँडओव्हर केली। महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार बैलगाड़ी दौड़ के लिए सशर्त अनुमति दे दी है। पूरे राज्य में इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है, साथ ही बैलगाड़ी मालिक भी उत्साहित है। 7 साल से बंद बैलगाड़ी दौड़ पर से प्रतिबंध हटाने पर राज्य के दुग्ध एवं पशु संवर्धन मंत्री सुनील केदार ने भी सुप्रीम कोर्ट का आभार मानते हुए बैलगाड़ी दौड़ के लिए हर संभव प्रयास करने वाले किसानों को बधाई दी है। आज उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्याचा आणि ग्रामीण भागातल्या भूमिपुत्रांच्या मागणीवर कुठेतरी एक चांगला असा सुखद निर्णय दिला, त्याबद्दल मी समाधान आणि त्या ठिकाणी हर्षोल्लास व्यक्त करतो। मागच्या 4 वर्षापासून हे प्रकरण निकाली लागत नव्हतं आणि महाविकास आघाडीच्या सरकारने त्याला पाठपुरावा केला। आमचे जे ॲडव्होकेट्स आहे, जो कुंभकोली साहेब असो की इतर त्यांचे ज्युनियर्स असो, यांनीसुद्धा चांगल्या पद्धतीने सगळे लॉ पॉईंट्स तयार केले आणि आज ग्रामीण भागाच्या अर्थव्यवस्थेलाही हात लावण्यासाठी मदत होण्याच्या दृष्टीने हा सुद्धा व्यवस्था तेवढाच महत्त्वाचा आहे। अलीकडच्या दिवसांमध्ये शेती ही ट्रॅक्टरनी आणि इतर मशीन्सनी होते, म्हणून बैलांचा तसा उपयोग आज शेतीमध्ये तेवढासा राहिला जो एकेकाळी होता आणि ह्या बैलांच्या माध्यमातून जी शर्यत होते त्याच्यातनं मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व्यवहार ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेलासुद्धा हातभार लागतो। आज सुखद असा निर्णय आपल्याला आज तिथं उच्च न्यायालयाकडे झालेला आहे। देशामध्ये इतर राज्यामध्ये जशा प्रकारचे त्या ठिकाणी सवलत आहे, तीच सवलत आता महाराष्ट्रातील त्या ठिकाणी बैलगाडी शर्यतीला मिळणार आहे, त्याबद्दल समाधान आणि हर्षोल्लास व्यक्त करतो आणि संपूर्ण जनतेला सांगतो की न्यायालयावर विश्वास ठेवणं ही जी प्रथा परंपरा आपली आहे ही तशा प्रकारची येणार असं म्हणतात की कायम ठेवावी।
अशा प्रकारचं मत व्यक्त करतो। पुनश्च सगळे जनतेचं आणि बैलगाडी शर्यतीमध्ये असलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाचं मनापासून स्वागत करतो आणि समाधान व्यक्त करतो। सरकार द्वारा किए जा रहे बैंकों के निजीकरण के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने 2 दिन का बंद रखा गया है। इस दौरान बैंक कर्मचारियों ने सड़क पर उतरकर मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, ये तो नरेंद्र मोदी कुर्सी खाली करो, खाली करो, ये सरकार मुर्दाबाद, 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 ये कमी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरकार द्वारा 2 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के प्रयास के खिलाफ यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की ओर से गुरुवार से 2 दिन की हड़ताल शुरू की गई। इस दौरान बैंक कर्मियों ने बताया कि सरकार हर पब्लिक सर्विस का निजीकरण करने पर तुली है, जिसका हम विरोध करते हैं। वहीं उन्होंने आगे कहा कि अगर सरकार ने हमारी मांगे पूरी नहीं की तो हम आम जन में जाकर इस बारे में जन जागृति करेंगे और इसका तीव्र निषेध करेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के करीब 9 लाख कर्मचारी गुरुवार से 2 दिन की हड़ताल पर गए, जिससे कहीं न कहीं बैंकिंग सेवाएं प्रभावित होने की आशंका है। जोर से बोल हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, जोर से बोल हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, कमी सरकार पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, झूठे वादे करने वाली सरकार पे शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुरुवार से 1 से 7वीं कक्षा तक स्कूल शुरू हुए। कोविड के चलते अब तक स्कूल बंद थे, लेकिन गुरुवार से सभी स्कूल शुरू हुए। स्कूल शुरू होने का उत्साह विद्यार्थियों में भी देखने को मिला, वहीं अभिभावक भी खुश नजर आए। स्वामी विवेकानंद स्कूल में शिक्षकों ने विद्यार्थियों का हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया। इस दौरान सभी कोविड नियमों का पालन किया गया। ये वही स्कूल है जहाँ छोटे बच्चों की हंसने खेलने की गूंज से मन प्रसन्न हो जाता है। छोटे बच्चों की आवाजों से स्कूल के आसपास का परिसर खिल उठता है। उनको देख हम भी अपना तनाव भूल जाते हैं। मगर ऐसे हंसते खेलते स्कूलों को लगभग 2 साल से कोरोना की नजर लग गई थी। तब से स्कूल छात्र शिक्षक एवं पालक सभी मायूस थे। कुछ समय पहले बड़े छात्रों के तो स्कूल शुरू हो गए, परंतु 1 से 7वीं कक्षा के बच्चे अभी भी घर पर ही थे। छात्रों के बिना स्कूलों में रौनक नहीं आती है। अंततः मनपा प्रशासन के आदेशों के बाद 16 दिसंबर को यानी 2 साल के लंबे अरसे के बाद छोटे विद्यार्थियों के लिए स्कूल खुले। छोटे बच्चे जो रोज अपने शिक्षकों को फोन कर स्कूल के शुरू होने के बारे में पूछ रहे थे, उन्होंने आज फिर से अपने क्लासरूम देखे, अपनी बेंच देखी, अपने मित्रों से मिले, अपने शिक्षकों को देखा और अपना स्कूल परिसर भी देखा। स्कूलों में विद्यार्थियों का स्वागत टॉफी और गुलाब का फूल देकर किया गया। साथ ही ऑक्सीमीटर, मास्क और टेम्परेचर चेक की सुविधा भी स्कूलों में दिखाई पड़ी। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया। इस मौके पर मनपा शिक्षण सभापति दिलीप दिवे एवं शिक्षा अधिकारी प्रीति मिशिकोटकर ने वर्धा रोड के पीछे विवेकानंद प्राथमिक विद्यालय साई मंदिर में कक्षा 1 से 7वीं तक के बच्चों का स्वागत किया। पावने 2 वर्षानंतर नागपूर महानगरपालिकेच्या 1 ते 7वी या शाळा आता सुरू झालेल्या आहे, आजपासून सुरू झालेल्या आहे। आणि गेल्या 6-7 महिन्यामध्ये ज्यावेळेला सेकंड लाट हा संपल्यानंतर कोरोनाचा, बरेच पालक हा माझ्या कॅबिनला येऊन तक्रारी द्यायचे, म्हणायचे की बा आता कोरोना हा कमी झालेला आहे आणि आता विद्यार्थ्यांचं तुम्ही रेग्युलर शिक्षण हे शाळेमध्ये सुरू करावं अशी त्यांची विनंती होती। आणि महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटनी पण आता का आजपासून आम्हाला शाळा सुरू करायच्या परवानगी दिली आणि सगळे कोविडचे नियम, सगळी शाळा सॅनिटाईज करून, सगळे नियम व्यवस्थित पाळून आम्ही आता आजपासून आमच्या शाळा सुरू केलेल्या आहेत। आणि आज मी पाहतो आहे की विद्यार्थ्यांमध्ये खूप उत्साह आहे आणि ते एकमेकाला भेटायला उत्सुक आहेत आणि प्रत्येक बेंचवर एक विद्यार्थी, याप्रमाणे आम्ही पूर्ण व्यवस्था महानगरपालिकेमध्ये केलेली आहे। आणि मला असं वाटतं की या पद्धतीने शिक्षण जर त्यांना दिलं तर त्यांना पूर्ण शिक्षण मिळेल असं मला वाटतं। वर्धा में एसटी बसेस बंद होने से विद्यार्थियों को काफी परेशानी हो रही है। स्कूल शुरू होने से विद्यार्थियों को बस बंद होने से आने जाने में परेशानी हो रही है, इसलिए विद्यार्थियों ने एसटी बस शुरू करने की मांग सरकार से की है। दिवाली के समय से एसटी कर्मचारियों का आंदोलन जारी है, जिससे यात्रियों को भी काफी परेशानी हो रही है। वहीं 16 दिसंबर से स्कूल शुरू होने से यात्रियों को भी आने जाने में परेशानी हो रही है। बस बंद होने से विद्यार्थी अब निजी वाहन का उपयोग कर रहे हैं, वहीं ऑटो से स्कूल जाने में उन्हें काफी ज्यादा किराया देना पड़ रहा है। इसीलिए विद्यार्थियों ने राज्य सरकार से जल्द एसटी बसेस शुरू करने की मांग की है।
आमचा विद्यार्थी आहे, मी पात्री गावाला राहतो. बसा बंद असल्यामुळे मी या टेम्पोमध्ये येणे जाणे करतो. आता बसा बंद असल्यामुळे आम्हाला कशा कोणत्याही ऑटोमध्ये जावं लागते. आम्हाला कोणताच पर्याय नसल्यामुळे आम्ही ॲटो करतो किंवा अशा गाड्यामध्ये हात घेऊन चालला जातो. आम्हाला एस टीची पास भेटत होती, पास भेटल्यामुळे आम्हाला असं बरं वाटायचं, म्हणजे आता आम्ही बस येईल बा असं वाटायचं. आता बस नसल्यामुळे आम्हाला लई त्रास होतो आणि आमची पैसे म्हणजे लई रुपये घेतात ते टॅक्सवाले. म्हणून अशा गाड्याने हात देऊन जावं लागते. पुन्हा बसची पास भेटल्यामुळे आम्हाला असं चांगलं वाटायचं, म्हणजे आता आम्हाला घर पड जायला भेटायचं. आता तसं नाही, आता कोणाला हात देऊन जावं लागते, कसं फिरावं लागते कुठं कुठं, त्यामुळे आम्हाला लई त्रास होत आहे. सरकारने आमच्यासाठी एस टी बस चालू करावी ही आमची सरकारकडून मागणी आहे. आमची विद्यार्थ्यांना लई नुकसान झालेलं आहे यामुळे. त्यासाठी माझी नम्र विनंती की सरकारने बस चालू करावी. वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद. लव यू दीपिका, बाय. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. Flywheel Aviation Academy, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. नागपुर और नागपुर के लोग पहले से काफी अच्छे लगते हैं और चुनिंदा जगहों में से एक नागपुर है जहां मैं आता जाता रहता हूं. कल के खासदार महोत्सव में गाना गाने के लिए काफी उत्साहित हूं, ये कहना है जाने माने गायक सुखविंदर सिंह का, जो नागपुर के प्रेस क्लब में चल रहे मीट द प्रेस के दौरान बोल रहे थे. वैसे ये गाने का वो रूप है जब मैं मीरा नायर को सुना था, पर जब गाना रिलीज हुआ था, रब्बा रब्बा मी बरसा साडी कोठी दाड़े पा, दिस वाज द एनर्जी. तो वो मैंने लोगों को देखा था कि लोग थिएटर में टिकट लेने के बाद, द स्टूडेंट्स स्पेशली, वो एंड में जाते थे क्योंकि ये गाना एंड में आता है. तो मैंने किसी से पूछा था, मैं कहता फिर व्हाई पीपल आर वेस्टिंग मनी, कहते नहीं यार थिएटर में देखने का गाने का बड़ा मजा है, फिल्म ठीक ठीक है. तो पंजाबी हो, फोक किसी भी स्टेट का हो, उसमें कुछ ना कुछ चार्ज होता है. आपने सामने से लाबी की शोज देखी? मैंने देखा. पगला जाए इंसान, इतना रंग होता है. तो पंजाबी में भी डांस बीट है, कल आप सुनिएगा, आप आइएगा. आई थिंक सो. आप मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, किसी भी और भी आर्टिस्ट से पूछते होंगे, फिर वो थोड़ा संभल के जवाब देते हैं, मैं एकदम बिंदास हूँ आज भी. लेकिन वो सवाल और वो जवाब तब मैच करते हैं जब आप स्टेज पे देखो. तो आप थोड़ा, मेरी तरफ से ये पर्सनल इनविटेशन आप सबको, आप तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के लोग हैं, आप तो आएगी, बट प्लीज डू विजिट, बड़ा आनंद आएगा. बड़ा पसंदीदा शहर है मेरा ये, मतलब उतना कद नहीं जितना मैं उछल उछल के ये शो करने वाला हूँ. अभी चंडीगढ़ आशिकी है, इसके बाद शमशेरा है. कुछ फिल्मों के नाम हमको नहीं याद रहते क्योंकि हम, when I go for recording, I do not ask for the star cast or the title of the film. अगर आप पूछेंगे तो एक फिल्म और आ रही है कुत्ते,
विशाल भारद्वाज जी के बेटे बना रहे हैं आसमान, तो आप सोचो कि इतने फिल्म में फिर आपने गाना कैसे किया। इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट सॉन्ग आई हैव संग। पिताजी की उनके विशाल भारद्वाज जी की मैंने तमाम फिल्मों में गाया है लगभग, ओंकारा से जब से वो बीड़ी जलाई गई फिर कितनी सारी फिल्मों में अभी भी। तो उनके बेटे की भी ख्वाहिश थी कि मेरी फिल्म में भी सुखी मैं जीता है, ये सौभाग्य, यही सौभाग्य प्राप्त होता है। तो अभी मिथुन इज अ वेरी न्यू और म्यूजिक कंपोजर उनके साथ है और वन अनदर वन फिल्म में आएगी। एक तो होता है कि हम कोई भी फिगर अनाउंस कर देते हैं, मेरी 50 फिल्में आने, 50 नहीं लेकिन जितनी भी हैं उनके गाने बड़े अच्छे हैं, फिल्में भी अच्छी हैं, लोग भी अच्छे हैं, डायरेक्टर भी अच्छे हैं। राजू हिरानी जी ने उनके साथ में गाने रिकॉर्ड हुए हैं और भी कई लोग हैं। तो ध्यान पूरा उसी पे केंद्रित रहता है कि व्हेन आई गेट अपॉर्चुनिटी टू सिंग अ सॉन्ग फॉर अ मूवी, व्हेन आई गो देयर आई डू कॉन्सेंट्रेट ऑन टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। पहले मस्ती मस्ती करते हैं बिकॉज आई नेवर डू वर्क सीरियसली। व्हाई? बिकॉज आई वर्क सिंसियर। मेरे से वो सुखविंदर जी बन के काम नहीं किया था, वो पूछे कोई कि आप कैसे हैं और मैं चुप करके बैठा हूँ। नो, इफ समवन आस्क मी हाउ आर यू, आर परफेक्टली फाइन, आई एम लाइक दैट सिंसियरली। सीरियसली आई कैनॉट बी द बॉस, आई कैनॉट बी द सो गॉड सुखविंदर सिंह, आई वुड लव टू बी अ परफॉर्मर, अ ग्राउंडेड पर्सन। कोरोना काल के लंबे अंतराल के बाद नागपुर में मनपा आयुक्त के निर्देशों के बाद कक्षा पहली से सातवीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खुले। स्कूल शुरू हुए तो छोटे विद्यार्थियों का उत्साह देखते ही बना। कोरोना बीमारी के चलते लगभग 2 साल बाद स्कूल खुले हैं। विद्यार्थियों को कक्षा में एक बेंच पर एक को बिठाया जाएगा, इसी जानकारी इस दरमियान शिक्षक ने दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्कूल शुरू होने से विद्यार्थियों में भी उत्साह दिखाई दिया। गुरुवार को जब स्कूल शुरू हुए तब छात्रों का स्वागत फूल और चॉकलेट देकर किया गया। वही छात्रों की सुरक्षा के दृष्टि से शिक्षकों को कोरोना टीके के 2 डोज लगवाना अनिवार्य किया गया है। पालिकेच्या महाराष्ट्र शासनाने दिलेल्या दिशानिर्देशानुसार पहिली ते सातवीचे वर्ग सुरू झालेले आहेत आणि पालकांचा आणि विद्यार्थ्यांचा खूप उत्साह या शाळेमध्ये आज आम्हाला दिसतो आहे। आज विवेकानंद शाळेमध्ये जवळपास 70-75% विद्यार्थी आमचे आज उपस्थित आहेत। आम्ही महाराष्ट्र शासनाने दिलेल्या कोविडच्या जे काही गाईडलाईन्स आहेत ते सर्व पालन करून आजपासून नागपूर महानगरपालिकेच्या शाळा सुरू केलेल्या आहेत। मला असं वाटतं की आजपासून खरं शिक्षण 2.5 वर्षानंतर विद्यार्थ्यांचं सुरू झालेलं आहे आणि आताच मी विद्यार्थ्यांशी बोललो तर विद्यार्थी फार उत्साही आहेत आणि शिक्षणासाठी ते फार आग्रही आहेत, त्यामुळं आजपासून त्यांची शाळा सुरू झाली। मी सर्व विद्यार्थ्यांना माझ्याकडनं शुभेच्छा देतो। केंद्र सरकार के बैंकिंग संशोधन 2021 के विरोध में बैंक कर्मचारियों ने भी वर्धा में भी काम बंद आंदोलन किया। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्रों के 2 बैंक को निजीकरण करने की घोषणा की। इसी विरोध में बैंक कर्मचारी 16 व 17 दिसंबर को हड़ताल पर रहेंगे। कर्मचारियों की मांग है कि बैंकों को सरकारी क्षेत्र में ही रहने दें। इस दौरान कर्मचारियों ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भारत सरकार द्वारे बैंकिंग संशोधन बिल 2021 हे पार्लियामेंट मध्ये पारित करण्याकरता मांडलेला आहे आणि त्या बिलाला आमचा तीव्र विरोध आहे। याच्यामुळे बँकांचे बँकांमध्ये 50% हे सरकारी भांडवल कमी करायचा घाट आहे आणि ह्या ही सुरुवात आहे निजीकरणाची, याच्यानंतर बँका विकायला काढणार गव्हर्नमेंट। हे बँका जर गव्हर्नमेंटनं विकायला काढल्या तर सर्वसामान्यांचं खूप मोठं नुकसान होणार आहे, देशाचं भविष्य हे धोक्यात येत आहे। त्याच्यामुळं आमचा हे 2 दिवसाची स्ट्राईक आम्ही त्याला विरोध म्हणून आज करत आहे। ही 16-17 आज 2 दिवसाची UFB युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स यांच्याद्वारे ही स्ट्राईक कॉल दिलेला आहे। अजूनही जर सरकार ताळ्यावर येत नसेल तर याच्यानंतर इंडिपेंडेंट स्ट्राईक हे खाजगीकरणाला विरोध म्हणून आमच्याकडनं केली जाणार आहे। याच्यामुळं जे बँकिंगची तयारी करणारे जे विद्यार्थी आहेत यांच्या नोकऱ्या, यांचं एम्प्लॉयमेंट धोक्यात आलेलं आहे। शेतकऱ्यांच्या स्वस्त कर्ज जे मिळतं ते स्वस्त कर्ज मिळणं हे बंद होऊन जाईल आणि त्यांच्या जमिनी ज्या आहेत या लोकांच्या हडपल्या जातील आणि घशात घातल्या जातील व्यापारी लोकांच्या निलाम करून। तर याच्याशिवाय सर्वसामान्य लोकांचे जनधन खात्याचे 0 बॅलन्सनं हे उघडणं बंद होऊन जाईल। हे सर्व लोकांची ही लढाई आहे, आम्ही फक्त बँकर्स ही आवाज जो आहे आमचा या
आंदोलनामार्फत सर्वसामान्यापर्यंत पोहोचवत आहे की हे निजीकरण धारजिनी जे सरकार आहे, व्यापारी धारजिनी जे सरकार आहे, याला तीव्र विरोध करा. जसं शेतकऱ्यांनी आपलं आंदोलन यशस्वी केलं आणि जे काळे कृषी कायदे मागे घ्यायला सरकारला भाग पाडलं, तसं हे बँकिंग विरोधी आणि देशाच्या विरोधी जे कायदे आहेत, आपली अर्थव्यवस्था नष्ट करणारे जे कायदे आहेत, हे भांडवलशाहीला वाढवणारे जे कायदे आहेत, हे बँकिंग अमेंडमेंट बिलचा कायदा हा वापस घेण्यास सरकारला भाग पाडायचं आहे आणि याचा आम्ही तीव्र आंदोलन करून निषेध करतो. हे पूर्ण देशभरामध्ये सध्या आंदोलन सुरू आहे. युनायटेड फोरम ऑफ बँक्स युनियन म्हणजे सर्व बँकांच्या ज्या संघटना आहेत देशामध्ये, ह्या सर्व बँकांच्या संघटना या आंदोलनामध्ये सहभागी आहेत. 10 लाख बँक कर्मचारी आज संपावर आहेत. आमच्या या आंदोलनाला रिझर्व्ह बँकेतर्फेही पाठिंबा दर्शवण्यात आलेला आहे. इंटरनॅशनल ट्रेड युनियन्स ग्रीस यांच्यातर्फेही या आंदोलनाला पाठिंबा दिलेला आहे. याच्या व्यतिरिक्त ज्याही ट्रेड युनियन्स आहेत, जशा रेल्वेमधल्या ट्रेड युनियन झाली किंवा BSNL मधली झाली, इंडियन ऑइलमधली झाली, अशा वेगवेगळ्या ट्रेड युनियन्स ज्या कर्मचारी संघटना आहेत देशभरातल्या, त्या सर्व संघटनांचा या आंदोलनाला पाठिंबा आहे. शेतकऱ्याचाही राकेश टिके यांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवलेला आहे आणि तेही आमच्यासोबत सहभागी आहेत. जर या 2 दिवसाच्या आंदोलनावर नंतरही जर सरकार आपलं जर ध्यानावर आलं नाही आणि हे काळे कायदे जर बँकिंग अमेंडमेंट बिल जर त्यांनी वापस घेतलं नाही परमनंटली, तर याच्यानंतर आम्ही इंडिपेंडेंट म्हणजे बेमुदत संपाव. यवतमाल जिले के पांढरकवड़ा तहसील में 40 विद्यार्थियों को स्कूल खुलने के बावजूद बंद स्कूल के बाहर बैठना पड़ा. दाभा गांव की एक जिला परिषद स्कूल 16 दिसंबर से खुलने के बावजूद वहां ताला लगा था. जिला परिषद स्कूल की वस्तुस्थिति कितनी भयानक है इसका अंदाजा पांढरकवड़ा तहसील के दाभा मानकर या जिला परिषद स्कूल में जाने के बाद पता चला. खुद शिक्षा समिति के सदस्य व पुरर्थ पांधकाम सभापति निमिष मानकर को इस घटना की प्रचिति आई. दाभा गांव में बीते 8 दिनों से स्कूल को ही ताला लगा है और शिक्षक लापता है. बंद स्कूल के बाहर 40 विद्यार्थी शिक्षकों का इंतजार कर रहे थे, जिसकी जानकारी जिला परिषद सदस्यों ने फोन लगाकर प्रमोद सूर्यवंशी शिक्षण अधिकारी यवतमाल को दी. इस मामले में अनुपस्थित 3 शिक्षकों पर कार्रवाई की मांग की गई. जिला परिषद गणामध्ये माझ्या या नियोजित दौऱ्यामध्ये दाभा मानकर जिल्हा परिषद शाळेचा अत्यंत गंभीर प्रकार मला आज आढळून आला. मी तिथे आकस्मिक भेट दिली असता त्या शाळेला चक्क कुलूप लावून दिसलं आणि मी तिथं विचारणा केली सरपंचांना. तर सरपंच आणि इतरत्र गावातले सगळे पालक तिथे हजर झाले मी आल्यानंतर, आणि त्यांनी चक्क माझ्याकडे कंप्लेंट केली. काय आजच नाही पण गेल्या 8 दिवसापासून एकही शिक्षक इथे शाळेमध्ये शिकवायला येऊन नाही राहिला. जन तिथे 3 शिक्षक कार्यरत आहेत, तिन्हीपैकी एकही शिक्षक तिथे हजर नव्हते. हा प्रकार गेल्या 8 दिवसापासून चालू आहे आणि आपण पाहतो की गेल्या कोरोनाच्या 2 वर्षामध्ये प्रचंड नुकसान असं आपल्या विद्यार्थ्यांचं झालं आहे. असं असताना आता नुकत्याच राज्य शासनाने निर्देश दिले शाळा चालू करण्याचे आणि शाळा चालू झाल्या. गेल्या 2 वर्षाचा जो आपला अभ्यासक्रम आहे तो पूर्ण करण्याची जबाबदारी या शिक्षकांवर आहे. असं असताना सुद्धा दुर्दैवी आहे, त्याच्यामुळे शिक्षण अधिकाऱ्यांसोबत मी या विषयावर बोललो आणि व्हिडिओ कॉलद्वारे त्यांना खरी परिस्थिती आम्ही दाखवली आणि ते पण त्यांनी पण विद्यार्थ्यांसोबत संवाद केला आणि विद्यार्थ्यांनी खरी परिस्थिती काय आहे हे त्यांना निर्देश आणून दाखवली. त्यामुळं सूर्यवंशी साहेबांनी सुद्धा कबूल केलं आणि त्याच्यानंतर व्हिडिओंना पांडवडा पंचसमितीचे व्हिडिओंना सुद्धा पाचारण केलं. तिथे त्यांनी पंचनामा केला आणि त्यांचं एका वर्षाचं इन्क्रीमेंट आणि पगार कपात करण्याचा अहवाल ते शिक्षण अधिकाऱ्याकडे पाठवणार आहे. तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही. आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए VKB न्यूज. नमस्कार.